हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। फाइनली जो है कपलर आ गए हैं। जो मैंने जो हेडलाइट अपग्रेड कराई थी उसमें जो है हेडलाइट लेवलर का कपलर अलग था, तो मेरे को जो है दूसरे कपलर चेंज कराने पड़ते, तो ये जो है कपलर आ गए हैं। बहुत ही मुश्किल में मिले हैं ये। लाइट लगवाए हुए मेरे को 15 से 20 दिन हो गए हैं और जो है कपलर अब लगवा रहा हूँ क्योंकि अवेलेबिलिटी इनकी बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से मिले हैं। ये भी मेरे को जो है एक गाड़ी थी जो कि स्क्रैप में थी, उसके जो है काट के दिए गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके के कपलर, बाकी जैसे कपलर इजीली मिल जाते हैं। जो भैया के जो वेंडर हैं वो जो है आ नहीं रहे थे, किसी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आ नहीं रहे थे, तो मेरे को भी इसलिए कपलर मिल नहीं पा रहा था। बाकी ईजिली मिल जाते हैं कि इंडिका वाले जो है कपलर लग जाते हैं, कहते हैं कि इंडिका वाले कपलर लग जाते हैं, बाकी मेरे को भी इतना पता नहीं। पर मैं एक चीज़ आपको वीडियो में पहले ही बता दूं कि जो है वायरिंग कट होएगी जो कि ये होगा, पर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो मेरी गाड़ी की वारंटी आउट है, दूसरा ये चीज़ रोज़ रोज़ जो है मैं लेवल करता न्यू हेडलाइट, तो इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि जो है हल्के से दो तार कट हो गए जो है मेरी इस तरीके से लगेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको अपने अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप जो है नई गाड़ी के अंदर ये चीज़ करवाएँ। चलिए अब चलते हैं, इन कपलर को जो है फिट करवाते हैं। तो चलते हैं भैया की शॉप पर। तो फाइनली जो है मैं भैया के पास आ गया हूँ। अब जो है कपलर फिट हो रहा है, हल्की सी जो वायरिंग जो है कट होगी जो कि ये हो रही है, इससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा भैया। मतलब कुछ नहीं, सॉकेट थोड़ी कटेगा ओरिजिनल। हाँ सॉकेट ओरिजिनल कटेगा, पर इस पर जो है पर नई गाड़ी के अंदर नहीं करना चाहिए ये चीज़ ना, उसमें जो है वारंटी। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नई गाड़ी पर कराओ, कराओ तो आप अपने रिस्क पर करवाइएगा, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी और मुझे पता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरी गाड़ी के अंदर। तो ये जो लग रहा है, बाकी कपलर टू कपलर शायद हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है, पर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं 100 रुपये की चीज़ के लिए 2000 रुपये का तेल फूकूँ और उसके बाद जो है मैं लगवाऊँ। तो अगर आपको कपलर मिल जाता तो वेल एंड गुड, आप वो भी करवा सकते हो। जो भी है आपके सामने है, जैसे भी होगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। और ये चीज़ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत से लोग ये चीज़ दिखाएंगे भी नहीं कि सीधा सीधा ये बोल देंगे जो कपलर टू कपलर हो जाएगा। खोल रहा हूँ तो ये चीज़ में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मेरी जो गाड़ी में जैसा हो रहा है जैसा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये चीज़ पहली बार करा रहा हूँ, पर मुझे इतना ही पता है कि हाँ शॉर्ट इसे काम हो जाएगा मेरा। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर मैं हेडलाइट का रिस्पॉन्स बताऊँगा आपको तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 15-20 दिन हो गए मेरे को लाइट लगवाए, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कि भाई हेडलाइट में कुछ दिक्कत आ रही है या फिर वायरिंग की वजह से कुछ दिक्कत आई, या फिर जो मेरी दो वायरिंग कटी थी उस वजह से कोई दिक्कत आई है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। एज इट इज़ के एज इट इज़ चलिए। बाकी हल्की सी लाइट की रोशनी जो है तेज़ हो गई है, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना बैटरी पे ना किसी पे, क्योंकि रिले लगी है तो उसी वजह से जो है थोड़ा सा ना अब हल्के से ब्राइट हो गया है बल्ब इसका। कहने का मतलब ये कि पहले से हल्का सा डल डल सा रहता था, अब जो थोड़ी सी ब्राइट लाइट हो गई है मेरी। तो बाकी जैसे भी अगर आप भी लगवाते हैं तो आप भी इस तरीके से लगवा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी है तो। तो वायरिंग जो हो गई है इसकी, बाकी जो है भैया आप चला के देख रहे हैं, इधर की साइड का हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ की साइड दिखाता हूँ तो आप ये देखिएगा भैया, करना ऊपर नीचे, ये देख रहे हैं हेडलाइट लेवलर। अगर मैं आपको हाथ पर दिखाऊं, ये देखिए वर्क कर रहा है, अब ये नीचे जा रही है, ऊपर करना, ये देखिए ऊपर जा रही है, ये काम कर रहा है। बाकी एक बार जो मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, अगर साउंड आते तो एक बार करना, ये मशीन की जो है आवाज़ आ रही है। तो ये चीज़ जो है मैंने आपको दिखा दी है कि जो है हेडलाइट लेवलर जो है मेरा काम कर रहा है, हाई बीम लो बीम भी जो है मेरी काम कर रही है। मैं दोबारा से आपको एक बार और दिखा देता हूँ, करना भैया स्टार्ट करके, नहीं वैसे गाड़ी स्टार्ट करो। पहले जो समस्या ये आ रही थी जब मैं हाई बीम कर रहा था तो लो बीम इसकी काम नहीं कर रही थी, मतलब कहने का मतलब ये दोनों एक साथ ये लाइटें जल नहीं रही थी, तो अब जो है दोनों जल रही हैं। करना दोनों को छोड़ देना करके, ये रही तो आपकी जो है दोनों हेडलाइटें अब इसकी जल रही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी थोड़ा सा जो है मेरा बल्ब अब ब्राइट हो गया है, थोड़ी सी जो है रोशनी अब इसकी बढ़ गई है, तो अब ये चीज़ जो है मेरी सक्सेसफुल हो गई है, तो इस चीज़ में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बाकी जो है उधर का भी सेम प्रोसेस है, तो मैं उधर का आपको दिखा नहीं रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है इसका काम हुआ है, इंस्टॉलेशन हुई है। अब ये चीज़ जो है आपको देखनी है, आपको जो है किस तरीके से करवाना। मैंने आपको टिकटो एज इट इज़ का एज इट इज़ दिखा दिया, किसी भी चीज़ का जो है मैंने छुपाया नहीं है। तो जो है वायरिंग हो गई है और बाकी जो है इसको अब तरीके से बंद करें। ये पुराना जो कपलर ये था और नया वाला कपलर जो है ये लग गया है, तो इसी के अंदर जो है फिट हो गया। आप भी अगर लगवाना चाहे तो ये लगवा सकते हैं। इंडिका का जो है कपलर लग जाता है ना भैया इसमें, तो अगर आप भैया से लगवाना चाहे तो भैया से भी लगवा सकते हैं। मैंने पहली वाली वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि कहाँ पे भैया की शॉप है, फ़ोन नंबर भी मैंने दे दिया। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में जो है लिंक आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं थी कि बहुत सारी चीज़ें तीन तार थे, तीन तार जो है चेंज हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।